सीएम मनोहर लाल ने आज हरियाणा को करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास कर एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी। इस मौके पर राज्य के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंत्रियों से लेकर विधायकों ने इन कार्यक्रमों में शिरकत की और मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस मौके पर सीएम ने हर जिले को अलग अलग सौगात दी हैं। यमुनानगर के बिलासपुर में सीएम मनोहर लाल ने सरकारी कॉलेज और प्रतापनगर में अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर पहुंचे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1400 करोड़ से भी ज्यादा के जो काम हरियाणा में हुए उनका उद्घाटन किया। मुझे हमारे भी दो जो बड़े काम है, एक बिलासपुर में कॉलेज हमारा था जो बढ़ के तैयार हो चुका है, और इसी प्रकार से एक हॉस्पिटल प्रतापनगर में लगभग 3 करोड़ की लागत से बनाया, वो भी बढ़ के तैयार हो चुका है। तो वही भिवानी में सीएम ने करीब 10 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 6 सड़कों की सौगात दी है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सीएम मनोहर लाल इस समय विकास के धुन में सवार हैं। विकास की योजनाओं का शुभारंभ किया है और जो हमारी नीति है समान विकास की, सब जगह सारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक की, उसी श्रृंखला में आज पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों में विकास की योजनाओं की शुरुआत हुई है। और हरियाणा के अंदर विकास के कामों की गति मिलेगी इससे, और हरियाणा आगे बढ़ेगा, चाहे वो सड़क के काम हो, सिंचाई के काम हो, पीने का पानी की चीज़ें हो, हॉस्पिटल हो, एयर स्ट्रिप हो, हर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। और इसी तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा को आगे बढ़ाने में अपनी जो धुन है उसमें लगे हुए हैं। वहीं चरखी दादरी में सीएम ने करीब 26 करोड़ की लागत से तैयार हुई 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। परियोजनाओं में विश्राम गृह, निर्वाचन विभाग के ईवीएम स्टोर, गांव सारंगपुर में छपाड़ तक लिंक रोड, कादमा में बस स्टैंड, गांव छपाड़ में रामपुरा और गांव कारीधारणी से भांडवा तक सड़क का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह पहुँचे। जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ से ही बैठकर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अभी संबोधित कर किया है, और यहाँ दादरी में भी तकरीबन 6-7 प्रोग्राम थे, मार्केटिंग बोर्ड, B&R और शायद एक रोडवेज, इन सभी का नींव पत्थर या उद्घाटन किए हैं। सिरसा में जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर सीएम ने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा मेहरबान रहे हैं, गोपाल जी हम सारे मिलकर उनका साथ दे रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा कि सरसा में इस वक्त जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनका उन्होंने समय से पहले ही हमें दिए, और बहुत बड़े स्केल पे अच्छे काम दिए हैं। मैं तो अपने डिपार्टमेंट की कह सकता हूँ कि बड़ा इंश्योर कर रहा हूँ कि अब के गर्मियों में कहीं बिजली की तकलीफ नहीं आनी। जहां एक और राज्यों में इन परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी दर भी कम होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।